गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा मंदिर पे जाएंगे। वहाँ पे मैं और चेचू हम दो लोग जाने वाले हैं। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, हम मिलेंगे। तो हम मंदिर पे जाने वाले हैं, वहाँ पे थोड़ी सी यूट्यूब के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है और देनी है। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मिलेंगे, काम करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे सीधा घर पे। और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाएंगे ताकि आप लोग दिखा सको कि हाँ वहाँ का मंदिर कितना अच्छा है और कितने ज़्यादा लोग आज के दिन में, तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। आज संडे है ना, आज बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा भ्रमण कराऊंगा पूरे मंदिर का। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आज हम मंदिर दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो हमारी गाड़ी आ गई है और अभी हम गाड़ी से निकलने वाले जा रहे हैं सीधा मंदिर पे। सब ठीक है। तो मेरे साथ ब्लॉगर सेचू, तू नहीं जा रहा है, तू घर पे। तो हम लोग अभी तुरंत बाइक से निकलने वाले हैं, जाके थोड़ा घूम के आएंगे, मिल के आएंगे दोस्तों से। तो चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो फाइनली हम मंदिर के पास आ गए हैं। मैं आप लोगों को मंदिर दिखाता हूँ, यहीं से मंदिर दिख रहा है, ये आप लोगों को मंदिर दिख रहा है। बस हम पहुँचने वाले हैं, एक दो मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो फाइनली मैं आ गया मंदिर पे और चलिए दिखाते हैं अंदर का सीन आपको। गेट है, काफ़ी मस्त गेट बना है और तो फाइनली हम अंदर आ गए हैं और ये मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का तरीके का है। और यहाँ पे सॉन्ग्स चलते रहते हैं हमेशा, भक्ति सॉन्ग्स हमेशा चलते रहते हैं। हम अभी आए हैं माता दी के दरबार में, मतलब माँ दुर्गा भवानी का मंदिर है ये। और छुए आशीर्वाद भी लिए माता जी का। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें गणपति जी का मंदिर मिलेगा, फिर उसके बाद हर हर महादेव भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा, फिर उसके बाद है बजरंगबली, फिर श्री साईनाथ। तो ऐसे लाइन बाई लाइन सबके मंदिर बने हुए हैं। फिर उसके बाद श्री गणपति महाराज गजानन महाराज के दरबार में चलूँगा, वहाँ पे माथा टेकूँगा उनके मंदिर में, फिर वहाँ से भोलेनाथ के यहाँ पे। तो चलिए भाई आशीर्वाद लेते हैं, आए हैं तो कुछ अच्छा करें। यहाँ पे बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे साईनाथ शिरडी के साईं बाबा का यहाँ पे मंदिर है। चलिए यहाँ पे भी माथा टेक लेते हैं भगवान के दरबार में। अच्छा खासा एकदम डिजाइन किए हैं इसको, एक छोटा यहाँ पे शिवलिंग रखे हैं, फिर छोटा एक मंदिर है, ऊपर बड़ा वाला मंदिर है भोले जी का। तो अभी मेरा दोस्त कुछ ही टाइम में आने वाला है यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। घर पे भी थोड़ा काम है और वीडियो एडिट करना है, एडिट करके सीधा अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। तो मंदिर कुछ इस तरीके से है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि आज मुझसे इतने दूर के आए हुए रिश्तेदार लोग पूछे हैं कि भैया ये मंदिर कहाँ पर है। जिस मंदिर का वीडियो मैंने YouTube पे डाला था, ये मंदिर आखिर कहाँ पे है मुझे दिखाओ। तो मैंने उनको बताया, गाइड किया कि आप इधर से इधर जाएंगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं उस टाइम थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए उनको साथ आ नहीं पाया। तो आई थिंक वो लोग आए भी होंगे और घूमे भी होंगे। तो ये मंदिर पे बहुत दूर दूर से लोग, काफ़ी ज़्यादा दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए और संडे के दिन तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं यहाँ पे लोग।
अभी तक मेरा दोस्त आया नहीं है, तो हम चलते हैं थोड़ा और इस यहाँ पे घूम लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे झूले लगे हैं जो बच्चों के लिए बने हैं, लेकिन उस पर बच्चे क्या बड़े बड़े बच्चे भी झूलते हैं, लेकिन मतलब बहुत आनंद आता है। अभी जो बड़े हो गए वो भी बच्चे की तरह ही सब ये करते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा, तो हम भी थोड़ा उसमें मौज मस्ती करेंगे। यहाँ पे बैठने के लिए है, और ये झूला है बच्चों का, ये लाइन से लगा है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और वहाँ पे 5, वहाँ पे देखो बच्चे लोग लगे हैं, वो अभी तो बच्चे हैं लेकिन बाद में बड़े बड़े बच्चे आ जाते हैं वहाँ पे। सारे दोस्त आ गए हैं, और आज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारे दोस्त मिलेंगे, मैंने सोचा था सिर्फ रविंदर से ही मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पे दुर्गेश भैया भी आए हैं, और सुभाष भैया, सरवन भैया, मनोज, श्री प्रकाश और रविंदर भी आया जो अभी बाहर थोड़ा घूमने गए हैं। अभी हम सीधा निकल रहे हैं घर की तरफ, हो गई हमारी मुलाकात दोस्तों से, और बाकी सारे ब्लॉग भी हम बना लिए, तो अभी यहाँ से सीधा निकलेंगे घर की तरफ। तो भैया चलें, हमारी गाड़ी है, स्टार्ट करते हैं, फटाक से निकलते हैं गाड़ी से सीधा घर पर।